पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी बिना अस्तित्व की मुख्यमंत्री है और उनका नाम क्रूरता बनर्जी होना चाहिए और वह महिला होकर महिलाओं के साथ घिनौना खेल खेल रही है। पटना से देखिए ये रिपोर्ट। कलकत्ता में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, ये निर्मम बलात्कार की घटना को लेके पूरा देश मर्माहत है। इसी पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें ये कहा है कि खास करके ममता बनर्जी के ग्रुप और ममता बनर्जी के गुंडों ने वहाँ तोड़फोड़ की है और उसके निशान को या उसके एविडेंस को मिटाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है और ममता बनर्जी को उपनाम देते हुए क्रूरता बनर्जी का नाम दिया है डॉक्टर अजय आलोक ने। क्या कुछ कहा है डॉक्टर अजय आलोक ने, आइए सुनते हैं। कि उत्तर प्रदेश में हमने सुना था भतीजा और बुआ की जोड़ी थी, यहाँ बिहार में भी एक बुआ है तेजस्वी जी की। ये तेजस्वी जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी इस बुआ पे चुप हैं। राहुल गांधी जो खटाखट 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 एक एक लाख रुपया दे रहे थे, चार दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती है। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल पे हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वहाँ के लोग इस देश के नागरिक हैं, बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहाँ के लोग उद्वलित भी हैं, परेशान भी हैं। और मत भूलिए कि इसी बिहार के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। कितनी घृणित बात है ये कि एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट जो रात में ड्यूटी कर रही है सरकारी अस्पताल में, जहां गरीब के बच्चे जाते हैं अपनी डिलीवरी करवाने, गरीब माताएं जाती हैं अपने इलाज करवाने, वो रात को बंगाल में सुरक्षित नहीं है। उसके न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि उसकी हत्या कर दी जाती है और अगले दिन सुबह में माँ बाप को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। 3 घंटे तक माँ बाप को शव नहीं देखने दिया जाता है और शव मिलता है जब, तो शव के दोनों पैर 90 डिग्रीज पे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि कितनी निर्ममता से हत्या की गई होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि सीमेन का लोड बहुत ज़्यादा था, वीर्य बहुत ज़्यादा था, लेकिन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं की जाती है कि वीर्य एक ही आदमी का था कि कितने आदमी का था। पुलिस लगातार एविडेंस को हटाए जाती है, 12 घंटे तक क्रूरता बुआ कोई मुँह नहीं खोलती है, 13 घंटे के बाद बोलती है कि 7 दिन में पुलिस नहीं पकड़ पाई तो मैं CBI को दे दूंगी। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की संगीनता को देखते हुए पश्चिम बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा धत्ता बताया और कहा कि पुलिस की निष्पक्षता पे हमें भरोसा नहीं कर सकते, मामला CBI को दो। ठीक है, मामला CBI को गया, CBI जांच शुरू करती है। अब देखिए क्रूरता बनो को और नंगा खेल कि जब CBI में चला गया, पुलिस के हाथ से बात निकल गई और RG कार मेडिकल कॉलेज में, उस अस्पताल में सबूत हो सकते हैं एविडेंस साइट पर, तो रात को 15 अगस्त की रात को 14 अगस्त की रात 12:30 बजे 5,000 की भीड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पे ही हमला कर देती है। ये इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुआ, ये बंगाल में ही हुआ है, पूरे मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़। पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई, 5,000 की भीड़, 8 आदमी को गिरफ्तार किया। हमारा सीधा सीधा सवाल है, क्रूरता बानो क्या किम जोंग से कुछ सबक उबक ले लिए हैं क्या कि अपनी जनता को इसी तरह से बुलडोज करते रहेंगे? तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की राजनीति कर रही हैं वो, जिसके कारण मानव तो पूरी मानव जाति, पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिला भी नहीं बच रही है। रेप हो जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है, दिन दहाड़े उठा लिया जा रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सीन ही नहीं है और सारे लोग चुप बैठे हुए। ये बहुत चिंता का विषय है कि एक राज्य में इस तरह हो रहा है तो उस राज्य से दूसरा राज्य अछूता नहीं है।
इसी बिहार के 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी है? बंगाल में किसी की सुरक्षा की गारंटी है? बंगाल में सिर्फ एक कौम की सुरक्षा की गारंटी है, रोहिंग्या की सुरक्षा की गारंटी है, भारतीयों की गारंटी नहीं। आप कन्विक्शन रेट देखिए, मैं अपने से नहीं बता रहा, NCERB का डेटा निकाल लीजिए आप लोग और बंगाल का कन्विक्शन रेट देखिए, देश में सबसे कम है, 2.3%। 98% केस पेंडेंसी में रहती है, लटकाना अटकाना भटकाना। और CBI को जब केस गया तो CBI की केस सॉल्वेंसी रेट 70% है पिछले 4 सालों से। हम उम्मीद करते हैं कि CBI ने आवश्यक सबूत जुटा लिए होंगे, क्योंकि ये 5,000 की भीड़ जो हमला की थी वो सबूत मिटाने का कोशिश थी, ये सारे लोग कह रहे हैं। तो आपने सुना जिस तरह से कलकत्ता में डॉक्टर के साथ इस घटना हुई है, उस पर अजय आलोक ने सीधे सीधी बंगाल के, पश्चिम बंगाल के किसी सरकार ममता बनर्जी को घेरे में लेते हुए कहा कि ममता की सरकार अब ममता की सरकार नहीं रही है, वो क्रूरता की सरकार हो गई है। और उन्होंने जिम पोंग की उदाहरण देते हुए भी कहा कि क्या उनसे कुछ ट्रेनिंग ली है ममता बनर्जी, या फिर उनसे कोई सांठगांठ है जो इस तरह से इतनी निर्मम हत्या होने के बाद भी, महिला होते हुए भी, उन्होंने कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया है। KBC न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।